गुरु जी नमस्कार। मैं दुर्गेश कुमार पांडे कुशीनगर गोरखपुर से हूँ। मैं आपके कथा से हमारे परिवार में बहुत सारा लाभ हुआ। हाँ। क्या क्या कहूँ, कहूँगा तो समय बहुत जाया हो जाएगा। और सारे लोग, पहला मेरा तो यही है कि सारे लोग मांसाहारी थे, अब सारे लोग बदल गए। और आपके कथा से बहुत सारा परिवर्तन हुआ। हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे बिटिया, सारे लोग, चारों के चार लोग हमारे सारे लोग शाकाहारी हो गए। मेरा यही आग्रह है आपसे कि आप हमारे परिवार पर सारे लोगों को आशीर्वाद दें और एक बार गोरखपुर आने में आप समय बनाए और मेरा जहाँ तक हो सके मैं आपका सहयोग। तो अभी सुल्तानपुर आ रहे हैं, गोरखपुर वहाँ से तो पास में है कि नहीं? अभी सुल्तानपुर 17 तारीख से आ रहे हैं। हाँ सर, गोरखपुर थोड़ा सा वहाँ से है। हाँ, आप लोग आइएगा जी। सर हमारे बच्चे को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए सर। खुश रहिए। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मैं आपके गोद में बैठना चाहती हूँ। अच्छा, अभी अंदर बैठेंगे भगवान के चरणों में, तब आ जाना। थोड़ा देते, एक सेकंड हम भी करते हैं। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 1.5 साल हो गए मेरे पति शराब पीते हैं, आते भी नहीं, हमें छोड़ के चले गए। बहन के घर में रहती हूँ। कहाँ पति? कानपुर में रहती हूँ, बहन के घर में। नहीं पति कहाँ है? पति पता नहीं, हमें मालूम नहीं, ना कॉल करते ना हमसे बताते हैं। 1.5 साल हो गए हमें छोड़ के चले गए थे। आपने कॉल नहीं किया? हम कॉल करते हैं, उठाते नहीं हैं। और मेरी बहन भी आई, उन्हीं के साथ रहते हैं हम। गुरुजी क्या करें, कथा भी सुनते हैं, पूजा भी करते हैं, जहाँ मिले वहाँ फिर भी मेरे भगवान नहीं सुनते। सुनेंगे, जहाँ मिले वहाँ से पकड़ के ले आना, उनको कथा सुनवाना। गुरुजी तो बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे पास, एक बच्ची है मेरी और एक, उनको एक ले आना, समझाएंगे और कथा सुनवाओ। व्यक्ति तो, कथा श्रवण करे ना तो वो मजबूत हो जाएगा। गुरुजी रुको एक मिनट, रुको ना एक मिनट। गुरुजी मेरी मम्मी भी नहीं, मेरे पापा भी, मायके में भी कोई नहीं, एक बहन ही है, उसी के घर में रहते हैं। अपना खुद का कोई काम कर लो बेटा और तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ क्या भी करें। गुरुजी यही सोचते हैं, क्या करें। जो आप कर सको वो करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। गुरुजी आप आशीर्वाद बनाए रखना अपना। बिल्कुल, भगवान की चरण स्पर्श सदा बनी रहेगी। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। हमारा सवाल ये है कि जैसे मैं एमपी मध्य प्रदेश रीवा जिले से हूँ, तो गुरुजी जैसे हम लोग हमारे यहाँ, एक मिनट बात कर लीजिए। हमारे यहाँ माता पिता अपने लड़कियों बच्चियों का, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चरण स्पर्श करते हैं। परंतु हमने उत्तर प्रदेश में देखा कुछ जगह कि वहाँ की लड़की अपने माता पिता का चरण स्पर्श करती हैं, प्लस भाइयों का चरण स्पर्श करती हैं। तो इसमें क्या अंतर है गुरुजी, कि लड़कियों को माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए या तो माता पिता को लड़कियों को चरण स्पर्श करना चाहिए? हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ लड़की को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। लड़की को लक्ष्मी हमारे यहाँ कहा जाता है, सब क्या कहा जा, लक्ष्मी आई जी गुरुजी, जिसे देवी मानते हैं, जिसे हम लोग कन्यादान में पूजते हैं जी गुरुजी, उसके हम लोग पाँव ही छूते हैं, उससे पाँव छुलाते नहीं जी जी। तो हमारे यहाँ भी कन्या के, लड़कियों के पाँव बाप और माता पिता भाई सब लोग पाँव छूते हैं जी, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है और कन्यादान हम देते हैं जी गुरुजी। तो वो पाँव तो वहाँ पूजते हैं मंडप के नीचे, जिसके पाँव पूजते हैं उससे पाँव स्पर्श कैसे कराएं जी। कुछ लोग इसकी भावना से करते हैं कि जो बड़े हैं उनके पाँव छूना जी, परंतु नारी तो सदा सबसे बड़ी है जी, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप है, इस भाव से उसके पाँव छुए जाते हैं। थैंक यू गुरु जी, बहुत बढ़िया, आपके चरणों में ठीक, खुश रहिए। चलो जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनका सवाल आज रह गया है, कल फिर आप सवाल कर सकते हैं। जिन्हें मिलना है अंदर चलिए, जिनको मिलना है अंदर। और सब लोग जिनको मिलना है अंदर, सबको जय श्री मन नारायण, राधे राधे। जिनको भी महाराज श्री से